हेलो दोस्तों, पायोनियर फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फार्मेसी का, ड्रग। कोई भी ड्रग जब अपन यूज करते हैं तो बॉडी में वो कैसे एक्ट करता है, इसका अपन बात करते हैं। कोई भी ड्रग बॉडी में एक्ट कैसे करता है, जब हम कोई भी ड्रग को यूज करते हैं तो बॉडी में कैसे एक्ट करता है, इसका एक जनरल थीम है। उस थीम को समझेंगे तो फार्माकोलॉजी बिल्कुल ईजी रहेगा। आप किसी भी ड्रग का नाम लें तो सबसे पहले यही सोचना है कि वो ड्रग कैसे एक्ट करता है। अगर उसको मैंने यूज किया है तो वो एक्ट कैसे करता है। जैसे सपोज हमने पैरासिटामोल का यूज किया, पैरासिटामोल ने फीवर को रिड्यूस कर दिया, पैरासिटामोल ने फीवर को रिड्यूस कर दिया, ये पैरासिटामोल का एक्शन है और ड्रग आपका पैरासिटामोल है। बीच का जो पार्ट है वही अपन को पढ़ना है फार्माकोलॉजी में। हाउ कैन ड्रग एक्ट इन अवर बॉडी, हाउ कैन ड्रग एक्ट इन अवर बॉडी, हाउ कैन ड्रग एक्ट इन अवर बॉडी इज सिंपल टर्म। और इसके अंदर पूरी फार्माकोलॉजी की जो बुक है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अंदर जो उसका पार्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो पूरा डिपेंड इसी पार्ट पर करता है। अगर अपन इस पार्ट को समझ लेंगे तो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम स्मूथली आने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ कैन ड्रग एक्ट इन अवर बॉडी। फर्स्ट थिंग, एनी ड्रग यूज इन अवर बॉडी, कोई भी ड्रग जो अपन बॉडी में यूज करते हैं उसमें सबसे पहले वो ड्रग अपनी बॉडी के अंदर पहुंचती है, जनरली ब्लड में पहुंचेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी और अपना टारगेट फाइंड आउट करती है। ड्रग किसको फाइंड आउट करेगी, टारगेट को फाइंड आउट करेगी। ड्रग उस टारगेट से जाके क्या होती है, इंट्रैक्ट होगी, ड्रग टारगेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि वो ड्रग है उसमें पावर है, वो उस टारगेट को चेंज करेगी। जैसे टारगेट को चेंज करेगी ड्रग तो ड्रग का क्या आ जाता है, एक्शन आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने कहा आपको फार्मेसी बुक परचेज करना है तो आप अपना टारगेट सर्च करोगे, आप किस पर जाओगे, जहां पर फार्मेसी बुक मिलती होगी उसी शॉप पे जाओगे। ऐसी ड्रग रहती है, हर एक ड्रग का टारगेट फिक्स है अपनी बॉडी में। तो सबसे पहले ड्रग पहुंचेगी, टारगेट को फाइंड आउट करेगी, ड्रग टारगेट से इंट्रैक्ट करेगी, उससे इंट्रैक्ट करेगी ड्रग, और क्योंकि ये ड्रग है तो उस टारगेट में चेंज कर देगी। और जैसे ड्रग टारगेट में चेंज करती है तो उसका एक्शन आने लगता है। जैसे हम बात करते हैं पैरासिटामोल का, पैरासिटामोल ड्रग एक्शन फीवर को कम कर देती है, एंटीपायरेटिक एक्शन। पैरासिटामोल जो ड्रग है बॉडी के अंदर जाएगी सबसे पहले पैरासिटामोल के टारगेट को सर्च करेगी। पैरासिटामोल का टारगेट जो होता है कॉक्स एंजाइम होता है, पैरासिटामोल उस कॉक्स एंजाइम से इंट्रैक्ट होगी, उस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट होने से प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाएगा और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हुआ तो फीवर कम हो जाता है और पेन भी कम हो जाता है। तो ये पैरासिटामोल के लिए हो गया। कोई भी ड्रग हो वो यही थीम पर काम करती है। जैसे हमने बात की पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है उसका एक्शन है। पेनिसिलिन टारगेट को फाइंड आउट करेगी। पेनिसिलिन का जो टारगेट होता है वो ह्यूमन बॉडी टारगेट नहीं है उसका, उसका जो टारगेट होता है बैक्टीरिया की बॉडी के पार्ट होते हैं। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जाके वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, सेल वॉल को टारगेट करती है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है और उसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन आ जाता है। तो किसी भी टाइप की ड्रग हो वो उसके अंदर, हम सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कोई भी ड्रग टारगेट फाइंड आउट करती है। यहां पर अब बात करते हैं कि जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होती है, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स मीन्स ऐसी ड्रग्स जो ह्यूमन सिस्टम पर एक्ट करती है उनको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स मीन्स ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑर्गन सिस्टम। सपोज ड्रग एक्टिंग ऑन ANS, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन CBS, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एटसेट्रा। जो ड्रग्स ह्यूमन बॉडी पर एक्ट करती हैं और ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को चेंज करके थेरेप्टिक एक्शंस देते हैं। अगर पेशेंट को अच्छा लगा तो थेरेप्टिक एक्शन है, अगर पेशेंट को बेनिफिशियल नहीं हुआ तो उसको ही बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होती है, अपनी जो फार्माकोलॉजी है उसमें जो ड्रग्स हैं आपकी टू कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी होती है फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स की, दूसरी कैटेगरी होती है कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स। कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स मींस ड्रग आर सिलेक्टिव टॉक्सिक टू द पैथोजेंस और इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गन एंड कैंसर सेल, ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं अपन कीमोथेरेप्टिक एजेंट, जो सिलेक्टिवली टॉक्सिक होते हैं किसके लिए, पैथोजेंस के लिए, कैंसर सेल के लिए, विथ मिनिमम इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल, उनको बोलते हैं कीमोथेरेप्टिक एजेंट। और जो दूसरी ड्रग्स होती है वो कहलाती है फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, मींस वो ऑर्गन सिस्टम पर एक्ट करती है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम पर एक्ट करेगी और ऑर्गन सिस्टम को चेंज करके ही एक्शन देती है। तो टू कैटेगरी में ड्रग डिवाइडेड है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ फार्माकोलॉजिकल ड्रग टारगेट, फार्माकोलॉजिकल ड्रग टारगेट मेनली डिवाइडेड इनटू द फोर कैटेगरी।
फार्माकोलॉजिकल ड्रग मींस जानने लगे आप लोग, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स कोई भी ड्रग जो ह्यूमन सिस्टम पर एक्ट करती है, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ह्यूमन बॉडी पर एक्ट करता है। पेनिसिलिन को नहीं बोल सकते, पेनिसिलिन तो कीमोथेरेपेटिक एजेंट है क्योंकि वो बैक्टीरिया पर एक्ट करता है। आप क्लोरोक्विन को नहीं बोल सकते, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है, वो जो प्लाज्मोडिया होता है उसके फूड वैक्यूल्स पर एक्ट करती है, तो वो अलग हो जाता है। जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हैं, जो सिस्टम फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं, उनके जो ड्रग टारगेट हैं वो फोर कैटेगरी में डिवाइडेड है, फोर कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। ये सभी टारगेट प्रोटीन नेचर के होते हैं, अपनी बॉडी का पार्ट होते हैं। कोई भी ड्रग जाएगी वो रिसेप्टर पर बाइंड करेगी, कुछ ड्रग्स का टारगेट रिसेप्टर्स होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है उनका टारगेट आयन चैनल होता है, कुछ ड्रग्स का टारगेट क्या होता है एंजाइम होता है, जैसे अभी बात किया था मैंने पैरासिटामोल, पैरासिटामोल का टारगेट क्या है कॉक्स एंजाइम है, उसका टारगेट एंजाइम है। ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बहुत सारे डायरेटिक्स हैं वो ट्रांसपोर्टर्स पर एक्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स मीन्स क्या होता है, जो आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है वन साइड टू द अनदर साइड। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, आयन चैनल पोर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, आयन का कंडक्टेंस होता है यहाँ से, रिसेप्टर जो होता है बॉडी की साइट होती है जहां पर ड्रग बाइंड करके अपना एक्शन जनरेट करती है। तो फार्माकोलॉजिकल ड्रग टारगेट मेनली डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरी, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है रिसेप्टर्स पे जो ड्रग एक्ट करती हैं उनको कौन सी ड्रग्स बोलते हैं, पर उनको बोलते हैं एगोनिस्ट। जो रिसेप्टर के जैसा काम करती है उसको एगोनिस्ट, जो अपोज करती है उसको एंटागोनिस्ट, जो पार्शियल एगोनिस्ट है एगोनिस्ट, लेकिन प्योर एगोनिस्ट क्या होता है वीक होता है। इनवर्स एगोनिस्ट रिसेप्टर के जस्ट अपोजिट काम करता है तो उसको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। आयन चैनल पे जो ड्रग करती है ओपनर हो सकते हैं, आयन चैनल ओपनर, आयन चैनल ब्लॉकर, जैसे पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एंजाइम्स के स्टिमुलेटर भी हो सकते हैं, मैक्सिमम इनहिबिटर्स ही होते हैं, जैसे मैंने बताया पैरासिटामोल कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर, तो ये इनहिबिटर्स है ड्रग। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर्स के भी इनहिबिटर्स ही होते हैं, जैसे नॉन एपिनेफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटर ट्रांसपोर्टर होता है, एनईटी बोलते हैं उसको, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स। तो ये मैंने जनरल आपको थीम दिया हुआ है कि हाउ कैन ड्रग एक्ट। अब इसको जब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिसेप्टर्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, आयन चैनल्स के भी टाइप्स होते हैं, एंजाइम्स के भी टाइप्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के भी टाइप्स है, तो उनको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं इसी चीज को एलाबोरेट करके आपको शेयर करूंगा। ओके।